नमस्कार लोधा जी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हमारे आधुनिक इतिहास की सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हमारी क्लास का 10वां लेक्चर होने वाला है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था आंग्ल मराठा संबंध के बारे में और साथ साथ में सहायक संधि को भी देखा था। इसी के चलते दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं डलहौजी का विभक्त सिद्धांत। इसके तहत हम साथ में देखेंगे कि ब्रिटिश नीतियाँ कौन कौन सी नीतियाँ किस किस क्रम में भारत में आती है, किस प्रकार से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार यहाँ पर किया और डलहौजी का जो विभक्त सिद्धांत था यानी कि जो हड़प नीति थी इसकी क्या भूमिका रही है। दोस्तों ये हम एक क्वेश्चन आंसर के वे में देखने वाले हैं जिससे कि आपको एक प्रॉपर समझ क्रिएट होगी आपके माइंड में कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से प्रिपरेशन करना चाहिए और किस प्रकार से नोट्स आपको बनाने चाहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जरा सा बता दूँ कि अगर आपको वीडियो अगर लास्ट में पसंद आता है तो दोस्तों इसको लाइक करके और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। और साथ ही साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डलहौजी का विभक्त सिद्धांत। दोस्तों डलहौजी जब भारत के गवर्नर बनकर भारत में आते हैं तो इन्होंने एक नीति को लागू किया भारत में, इनके द्वारा एक नीति लाई गई जिसे डलहौजी का विभक्त सिद्धांत कहा गया। बल्कि दरअसल ये चूँकि था डलहौजी की ये एक हड़प नीति ही थी, ये डलहौजी के एक प्रकार की हड़प नीति ही थी और इस नीति के अनुसार ये लागू किया गया देसी राज्यों में कि जो देसी रियासतें थी, जो भारतीय देसी रियासतें थी, जो देसी राज्य थे जिनके बारिश या पैतृक नहीं थे, बारिश यानी कि जो उत्तराधिकारी नहीं थे जिस राज्य के, उनको ब्रिटिश शासन में मिलाने के लिए कुछ नीतियों को इस नीति को लागू किया गया। और इस नीति के तहत दोस्तों डलहौजी ने गोद लेने की जो प्रथा थी, जो हिंदू परम्पराएँ थी, पुरानी परम्पराएँ चली आ रही थी, उस पर ही रोक लगा दी और संतानहीन शासक जो थे देसी रियासतों के उनको उन्हें जो है गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया और उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास इस नीति के द्वारा किया गया। इसी के तहत इस नीति के तहत अगर हम बात करें भारतीय राज्यों की कि भारतीय मतलब कि किस प्रकार से इस नीति को भारतीय राज्यों पर लागू किया गया, तो दोस्तों इस नीति को लागू करने के लिए, इस हड़प नीति को लागू करने के लिए भारत में उन लोगों ने यानी कि ब्रिटिश ने देसी राज्यों को, जो देसी रियासतें थी, इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कैटेगरी में उन राज्यों को रखा, उन रियासतों को रखा जिनका निर्माण करने में ब्रिटिश सरकार का हाथ था या सहयोग था, ठीक। और सेकंड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो सेकंड कैटेगरी में वो रियासतें थी जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, और थर्ड वाली जो कैटेगरी थी उसमें देसी रियासतों को शामिल किया गया और वे देसी रियासतें जिन्होंने ना तो ब्रिटिश साम्राज्य की मदद ली अपनी स्थापना में और ना ही ब्रिटिश साम्राज्य के अधीनता स्वीकार की थी, ठीक है दोस्तों। इन तीनों के तहत ही तीनों में नीतियों को अलग अलग क्रम में इस पर लागू किया गया। फर्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी में वो फर्स्ट कैटेगरी में जो हड़प नीति थी, हड़प नीति को पूर्णतः लागू कर दिया गया और इन राज्यों को गोद लेने के अधिकार से पूरी तरह से वंचित कर दिया गया, इन राज्यों को गोद लेने का अधिकार नहीं दिया गया। सेकंड कैटेगरी की हम बात करें कि तो वे रियासतें जो राज्य जो ब्रिटिश कंपनी की अधीनता स्वीकार कर चुके थे उन्हें गोद लेने का अधिकार था भी और नहीं भी, यानी कि गोद लेने से पहले उन्हें ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेनी होती थी और ये ब्रिटिश सरकार की इच्छा पर निर्भर करता था कि वो इनको अनुमति दे या ना दे। लास्ट कैटेगरी की जहाँ हमने बात की थी देसी रियासतें, तो दोस्तों ये वो रियासतें थी जिन्हें गोद लेने का पूर्ण अधिकार था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का इनमें हस्तक्षेप एक ना के बराबर उस समय था। अब अगर बात करें कि इस योजना का, इस नीति का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया गया, यानी कि क्रियान्वयन करने का एक क्रम क्या था, तो उस समय 1848 में सतारा पे सबसे पहले इस नीति को थोपा गया। उसके बाद में एक साल बाद ही 1849 में जैतपुर पर, और उसी साल 1849 में ही जैतपुर संबलपुर में दोनों एक साथ, और बघाट की अगर बात करें तो 1850 में, और उदयपुर और झांसी में 1852 और बागपुर में 1854 में दोस्तों हड़प नीति को जो है उन पर लागू कर दिया गया, यानी कि डलहौजी के विभक्त सिद्धांत को लागू कर दिया गया। नेक्स्ट कि कुछ इतिहासकारों ने इस नीति की यानी कि डलहौजी की हड़प नीति की आलोचना भी की है, और आलोचना के तहत आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है कि जो देसी रियासतें हैं, जो देसी रियासतें थी उनको वर्गीकृत करना, वर्गों में, श्रेणी में वर्गीकृत करना एक अन्यायपूर्ण कार्य था, ये मानवीय कार्य नहीं था,
ऐसा कंपनी को यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरा, जहां उन्होंने फर्स्ट कैटेगरी में रखा है और कहा है कि कुछ रियासतों की स्थापना में अंग्रेजों का सहयोग था, निर्माण में अंग्रेजों का सहयोग था, तो दोस्तों ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि राज्यों का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया था। ठीक है, वो तो पहले से ही थे, क्यों नहीं, क्योंकि देखिए कि ना ही वे भारत की सर्वोच्च शक्ति थी। ठीक है, न तो अंग्रेजों ने उन राज्यों का या उन रियासतों का निर्माण किया था और ना ही अंग्रेज भारत की सर्वोच्च शक्ति थी। क्यों? क्योंकि उस समय अगर भारत की कोई सर्वोच्च शक्ति थी तो वो थे मुगल सम्राट। मुगल सम्राट ही भारत की सर्वोच्च शक्ति उस समय थी। ठीक, दूसरा, गोद लेने की जो प्रथा थी दोस्तों, ये हिंदुओं की एक प्राचीन परंपरा से चली आ रही एक प्रथा थी, जो एक कानूनन भी थी, और इस पे रोक लगाना भी एक अन्यायपूर्ण कार्य ही कंपनी का था। आगे चलकर बोला गया कि इस नीति से ही जनता में भयानक आक्रोश पैदा हो गया और डलहौजी की इस नीति के कारण जनता में इतना आक्रोश पैदा हो गया, इतनी राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो गई कि डलहौजी के जाते ही 1857 में एक संग्राम के रूप में वो गुस्सा जनता का फूट पड़ा और 1857 की क्रांति परिणाम स्वरूप सामने देखने को मिली। इसी क्रम में दोस्तों अब बात करते हैं हम ब्रिटिश नीति के बारे में कि ब्रिटिश नीति दोस्तों, देखिए एक बार मैं आपको बता दूं कि ये डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत था, मैंने आपको शॉर्ट में डिस्कस कर लिया है। इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल मिल जाएगा, लोधाजी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ से आप डाउनलोड उसको इसका पीडीएफ को फुल पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको नोट्स आपको सेल्फ क्रिएट करना है, खुद ही को नोट्स बनाना है, और नोट्स बनाने के बाद में आपको इससे अगर नोट्स बनाते हो तो आपको इसे एक समझ क्रिएट होगी आपके माइंड में कि नोट्स किस प्रकार से बनाना चाहिए और एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोस्तों नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वैसे तो आवश्यक तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, लेकिन जो नोट्स मैंने आपको बना के आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये नोट्स अगर आप जैसे अगर MPPSC हो या कोई भी स्टेट के अन्य एग्ज़ाम अगर PSC के एग्ज़ाम दे रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको फिर मेंस के लिए आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा। इसी के तहत ब्रिटिश नीतियों की अगर बात करें तो दोस्तों ब्रिटिश नीतियाँ मतलब ये कि अंग्रेजों ने भारत में राज्य करने के लिए पूरा कि 1765 से लेकर के 1947 तक कितने किस किस प्रकार की नीतियाँ अपनाई हैं। जैसा कि वीडियो को स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता चुका हूँ कि अंग्रेजों की कोई ऐसा फिक्स कोई संविधान तो था नहीं, यहाँ पर कोई लिखित में कोई योजनाएँ तो थी नहीं कि भारत पर ये लागू होगी ये लागू नहीं होगी। अंग्रेजों को सिर्फ और सिर्फ यह साम्राज्य करना था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना था और यहाँ पे को शोषण करना था, क्योंकि उनको सिर्फ अधिकतम आर्थिक लाभ चाहिए था, क्योंकि इनके लिए तो अंग्रेजों के लिए भारत एकमात्र एक उपनिवेश था। ठीक, तो औपनिवेशिक तौर पे उनकी सिर्फ आर्थिक लाभ ही उनका मुख्य उद्देश्य था। और इसी क्रम में दोस्तों जिस जिस प्रकार की परिस्थितियां भारत में उत्पन्न हुई उसी प्रकार से इन्होंने अपनी नीतियों को भारत पे लागू करना प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में कुछ नीतियां रही है इनकी, तो प्रथम नीति की अगर हम बात करें तो जैसे कि घेरे की नीति थी जो कि 1765 से लेकर के 1813 तक इसको चलाया गया। फिर दूसरे क्रम में यानी कि 1813 से 1858 तक के समयांतराल में अधीनस्थ पृथककरण की नीति को अपनाया गया। इसके बाद में परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी कि 1857 में क्रांति हो गई, फिर 1857 के बाद में जब उनको अंग्रेजों को लगा कि भारतीय जनता अब काबू में नहीं है, भारतीय जनता अब आक्रोशित हो चुकी है, इनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो चुकी है और अब क्रांतियों के रूप में कई जगह से गुस्सा जनता का फूटने लगा था, तो उन्होंने अपनी नीतियों में भी परिवर्तन करते हुए अधीनस्थ संघ की नीति को अपनाया, जो कि 1858 से लेकर के 1935 तक जो इन नीतियों को अपनाते रहे। तत्पश्चात इन्होंने एक और नीति लास्ट में 1935 से लेकर के 1947 तक जो नीति अपनाई वो थी समान संघ की नीति। दोस्तों प्रथम नीति की अगर हम बात करें घेरे की नीति की, तो घेरे की नीति दरअसल थी ये कि स्टार्टिंग में जो उनका समय अंतराल था, जो समय में वो आए थे, कि 1765 से लेकर के 1813 की जो नीति थी, इस नीति में इन्होंने कंपनी ने जो है अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया, यानी कि जो देसी राज्य थे उनकी राजनीति में अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया, परंतु जब जब इनको आवश्यकता पड़ती थी तो ये हस्तक्षेप भी करते थे, यानी कि ये अपने नियमों के पक्के नहीं थे। मैंने पहले बताया कि ये भारत उनके लिए एक उपनिवेश मात्र था और इस पे वो अपने साम्राज्य का विस्तार चाहते थे और अधिकतम आर्थिक लाभ की प्राप्ति चाहते थे, तो उसी क्रम में जो नीति उनको उचित लगती थी वो उस नीति का पालन करते थे। ठीक,
तो प्रथम नीति की अगर हम बात करें, जो नीति थी घेरे की नीति, जो 1765 से लेकर 1813 तक अपनाई गई थी, उस नीति के तहत दोस्तों इन्होंने कंपनी के इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया, लेकिन जब जब इनको आवश्यकता पड़ी तब इन्होंने उस नीति का उल्लंघन भी किया। सेकेंड नीति की अगर बात करें अधीनस्थ पृथक्करण नीति की, अधीनस्थ पृथक्करण नीति की जो 1813 से लेकर के 1858 में अपनाई गई थी, उसमें दोस्तों इन्होंने गोद लेने पर जो रोक थी उसको खत्म कर दिया और राज्यों का विलय भी उसमें खत्म कर दिया, और इसी का पालन दोस्तों इन्होंने तीसरी नीति के तहत भी इन्होंने इसी का पालन किया था। इसके अलावा मुक्त व्यापार की नीति का इन्होंने अनुसरण किया सेकेंड वाली में, है ना, 1813 से लेकर के 1858 तक की। अब जैसे ही 1857 की क्रांति फूटी, जनता आक्रोशित हुई, इनको लगा कि नहीं अब कुछ अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा, अन्यथा भारत का जो साम्राज्य है वो अपने हाथ से चला जाएगा, यानी कि कंपनी को अब थोड़ा सा जनता से भय होने लगा था। तो इसी क्रम में 1876 की बात है दोस्तों, 1876 में इन्होंने भारतीय रियासतें जो अंग्रेज सत्ता के अधीन हो गई थी, है ना, कुछ भारतीय रियासतें थी वो अंग्रेज सत्ता के अधीन हो चुकी थी, और राजनीतिक एकीकरण की प्रवृत्ति भी उभर कर अब सामने आने लगी थी, ठीक है, जनता भी आक्रोशित होने लगी थी, जनता को भी राष्ट्रीयता की भावना महसूस होने लगी थी। तो इन्हीं के दोस्तों इनके साथ चलते चलते आधुनिक साधन जैसे रेल, डाक, तार, सड़क, प्रेस, इन आदि का भी विकास यहाँ पे क्रमानुसार होने लगा। और जो लास्ट वाली जो नीति थी समान संघ की नीति, जो 1935 से लेकर के 1947 तक अपनाई गई थी, उस नीति के तहत संविधानिक सुधारों का आरंभ चालू हो चुका था, क्योंकि 1935 में एक नियम आया था जो बहुत बड़ा नियम था, एक्चुअली एक अधिनियम था जिसमें कि संविधान का काफ़ी सारा भाग हमारे इसी अधिनियम से लिया गया था, ठीक है। तो 1935 में जो अधिनियम आया था उसके तहत राज्यों को संघ बनाने की बात कही गई थी, 1935 के अधिनियम के तहत राज्यों का एक संघ बनाने की बात की गई थी कि राज्यों, भारत राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन सिर्फ बात ही हुई, ये एक्चुअल में नहीं हुआ, ठीक। इसी के अगले क्रम में माउंटबेटन भारत आते हैं, माउंटबेटन अपनी योजना को लेकर आते हैं, ठीक है, और इसी में ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की बात यहाँ पर इसमें हो जाती, माउंटबेटन योजना में ही ब्रिटिश सर्वोच्चता की यानी कि ब्रिटिश शासन की समाप्ति की बात हो जाती है। फिर अगले क्रम में जैसे जैसे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन चलते गए, कुछ क्रांतिकारी आए, है ना, इस प्रकार से इन्होंने फिर 1947 में दोस्तों आखिरी अधिनियम आता है, भारत सरकार अधिनियम जो आता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से 1947 में एक अधिनियम आता है, और उस अधिनियम के तहत ही ब्रिटेन की संसद ने ये स्वीकार कर लिया कि अब भारत में इससे ज़्यादा शासन अब ब्रिटेन नहीं करेगा, इंग्लैंड अब भारत में अब शासन नहीं करेगा, और यहीं से भारत से ब्रिटिश सत्ता की जो है समाप्ति हो जाती है। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन कि भारत में ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। तो दोस्तों ये चार क्रम नीतियों के रहे हैं भारत में, ठीक है, चारों नीतियों के जो क्रम थे, चार क्रम, उन चारों क्रमों में कौन कौन से किस किस प्रकार की नीतियाँ अपनाई गई थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसी के साथ में जब क्वेश्चन खत्म होता है तो लास्ट में हमें इसका मूल्यांकन करना होता है, एक निष्कर्ष निकालना होता है। तो उस मूल्यांकन के तहत ही मैंने एक छोटा सा मूल्यांकन लिखने की कोशिश की है, जरा इसको देखिए। भारतीय राज्यों में ब्रिटिश सर्वोच्चता अनेक चरणों में संपन्न हुई, ठीक है, अभी हम पढ़ के बाहर निकले इससे, है ना, अलग अलग चरणों में अलग अलग नीतियाँ अपनाई गई, बिल्कुल सही है, तथा कंपनी हित में नीतियों में परिवर्तन भी किया गया। जैसे जैसे परिवर्तन, जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदली, वैसे वैसे इनके नियम बदले, ठीक है, चूँकि कंपनी के हित में ही इन नीतियों को बनाया गया था, कंपनी के हित में ही इन नीतियों में परिवर्तन किया गया, क्योंकि उनको अधिकतम लाभ की आवश्यकता थी, ठीक है, कभी नियमों का पालन करते तो कभी उनका उल्लंघन करते, बस वो तो उनके खून में ही था। यह ऐसी अवधारणा थी जिसका अंतिम उद्देश्य ब्रिटिश आर्थिक और राजनीतिक हितों का संवर्धन ही मात्र एक था। ये ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने जिस नीति का अनुसरण भारत में किया वो नीति सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करना था और अधिकतम लाभ की प्राप्ति इनका एकमात्र उद्देश्य था। अब चाहे अगर कोई नीति इनके सामने आती थी तो उस नीति को ये तुरंत बदल लेते थे, ठीक। इस प्रकार से इन्होंने भारत पर साम्राज्य का विस्तार किया, भारत पर राज्य किया और भारत का शोषण भी अधिकतम मात्रा में किया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो पर पहली बार हैं दोस्तों, तो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी। दोस्तों इसके अलावा आधुनिक इतिहास के अलावा और भी कुछ अभी सीरीज़ चल रही हैं, जिसमें कि संविधान को लेकर भी अभी एक सीरीज़ चल रही है दोस्तों, जिसमें 50 क्वेश्चन पर डे डिस्कस किए जाते हैं। इसके अलावा भारत सरकार की नियुक्तियों का भी एक क्रम अभी चल रहा है दोस्तों, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे इस नियुक्तियों के टोटल 2019 में जितनी भी नियुक्तियां केंद्र सरकार ने की है, उन सभी नियुक्तियों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें। तो इस दोस्तों इसी प्रकार से और डेली अपडेट तो आपको मिलते ही रहते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी आप भूलेंगे ही नहीं। खैर चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं दोस्तों ब्रिटिश आर्थिक नीति एवं उसके प्रभाव। इससे पहले हमने देखा था ब्रिटिश नीतियों के बारे में कि किस किस प्रकार से उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भारत में अपनी नीतियों को लागू किया। इसी क्रम में दोस्तों उनकी आर्थिक नीतियाँ कुछ किस प्रकार से थी, कितने चरणों में भारत में आर्थिक नीतियों को लागू किया गया और उनका प्रभाव भारत पर क्या पड़ा, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये बात तो एक बात की आप इस जैसे गांठ ही बांध लीजिए दोस्तों कि इनकी जितनी भी प्रकार की नीतियां आई और विशेष करके जो आर्थिक नीतियां आई है ना, वो सबकी सब एकमात्र उनका जो उद्देश्य था वो सिर्फ और शोषण, सिर्फ और सिर्फ आर्थिक शोषण मात्र उनका एक उद्देश्य था। भारत में साम्राज्यवाद का विस्तार करना, सब कुछ अपने साम्राज्य में ना देश राज्यों को उसमें विलय करना, ये सब किसके लिए हो रहा था, क्योंकि इन्होंने तो एक उपनिवेश बना ही लिया था भारत को, तो इसके लिए ये सिर्फ और सिर्फ अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए ही, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही ये सब नीतियों को लाए जा रहे थे। और जैसे जैसे भारत की परिस्थितियाँ बदलती गई, वैसे वैसे इनकी आर्थिक नीतियों में भी परिवर्तन होता चला गया, ठीक है। और इसी क्रम में दोस्तों देखिए कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद मुख्यतः तीन चरणों से गुजरा। अगर हम इसकी ब्रिटिश बात की अगर बात करें, ब्रिटिश की अगर आर्थिक नीतियों की बात करें, तो ये दोस्तों तीन चरणों में इन्होंने अपनी नीतियों को, आर्थिक नीतियों को लागू किया, जिसमें इन तीनों नीतियों में तीनों चरणों की अगर बात करें, तो इसमें अलग अलग नीतियों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था का इस प्रकार जमकर शोषण किया गया कि इन तीनों नीतियों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से पंगु बनाकर रख दिया। प्रथम नीति की बात करें तो प्रथम चरण जो था दोस्तों, ये 1757 से लेकर के 1813 तक ये चरण चलता है। इस चरण में उपनिवेशवाद का जो चरण था, ये वाणिज्यिक पूंजीवाद इस समय था, यानी कि वाणिज्यिक पूंजीवाद की नीति यहाँ पर इन लोगों ने अपनाई, आर्थिक नीति यहाँ पर इन्होंने अपनाई है। दूसरे चरण की अगर बात करें तो ये औद्योगिक पूंजीवाद था, जिसमें उद्योगों का जमकर शोषण किया गया, उद्योगों को तबाह किया गया। भारत के जितने भी हस्तशिल्प, कला उद्योग, जितने भी उद्योग थे जो छोटे स्तर पर उद्योग चल रहे थे, उन सबको अपनी नीतियों के माध्यम से पूरी तरह से तबाह कर दिया। और ये क्रम था 1813 से लेकर के 1860 तक का। अब अगर तीसरे चरण की बात करें तो ये वित्तीय पूंजीवाद था दोस्तों, क्योंकि 1857 में जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद में अंग्रेजों की आंखें खुल चुकी थी और वो समझ चुके थे कि अब अधिक समय तक भारत पर साम्राज्य करना संभव नहीं है, इसलिए अब अपनी परिस्थितियों, मतलब कि अब इन नीतियों में परिवर्तन करना उन्होंने बहुत ज़्यादा आवश्यक समझा, ठीक। इसी के तहत इन्होंने जो भी इनकी पहले की शोषणवादी नीतियाँ थी, उन नीतियों को समाप्त करते हुए नई नीतियों को अपनाना चालू किया और उसी के माध्यम से वित्तीय पूंजीवाद भारत में आया। और इस चरण के तहत इन लोगों ने जो किया है वो दोस्तों ये था कि इन्होंने जो ब्रिटेन के आम नागरिक थे, जो व्यापारी थे, उनको आमंत्रित किया भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, भारत में इन्वेस्ट करने के लिए, जिसके भारत में जितनी भी व्यवस्थाएं थी, जैसे रेल थी, बैंक थी, इसके अलावा जो बीमा कंपनियां थी, यहां तक कि कृषि में भी उन्होंने इन्वेस्ट करने के लिए आग्रह किया उनसे। और एक निश्चित गारंटेड रिटर्न, जिसे मतलब इंटरेस्ट ऑफ रिटर्न, जो इंटरेस्ट था वो देने का इन्होंने वादा किया। तो इस प्रकार से दोस्तों तीन चरण अंग्रेजों के रहे हैं भारत में शोषण करने के। आइए जानते हैं तीनों चरणों के बारे में, थोड़ा आगे चलते डिटेल में समझते हैं इसको। प्रथम चरण की अगर हम बात करें जो 1757 से लेकर के 1813 के मध्य में आया था, तो इस चरण में अंग्रेजों ने भारत में व्यापार के बहाने भारतीय राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था।
ठीक है। भारतीय राज्यों पर दोस्तों इन्होंने प्रथम चरण में ही इन्होंने अपने व्यापार के लिए, अपने व्यापारी के हितों के लिए जो भारतीय राज्य थे उनमें हस्तक्षेप करके और वहाँ पर उन्होंने प्रभुत्व अपना जमाना चालू कर दिया था। चूँकि डायरेक्टली इन्होंने शासन करना चालू नहीं किया था इस समय, लेकिन अपना प्रभाव जमाना चालू कर दिया था जिससे कि इनको एक मुक्त व्यापार की नीति मिल जाए, जिससे इनके व्यापारिक हितों में और ज़्यादा वृद्धि हो जाए। ठीक है, आगे इसी में देखते हैं कि तो जो इसी प्रकार से प्लासी का युद्ध इनके द्वारा लड़ा गया, इसी क्रम में बक्सर का युद्ध हुआ। इन दोनों युद्धों की वजह से इनको बंगाल इनकी झोली में आ गिरा, बंगाल पर इनका अंग्रेजों का पूर्णतः अधिकार हो गया। एक प्लासी और बक्सर का एकमात्र दो ऐसे युद्ध थे जिनकी वजह से बंगाल पर अंग्रेजों का 100% पूरा है ना इनका अधिकारी हो गया था। ठीक है, यहाँ की राज व्यवस्था पर, यहाँ कृषि पर, मतलब कि जितनी भी संपत्ति थी यहाँ की बंगाल की, इस पूरे बंगाल पर अंग्रेजों का जो है प्रभुत्व स्थापित हो चुका था, साम्राज्य स्थापित हो चुका था। नेक्स्ट अगर इसमें देखें तो कंपनी के खजाने में जैसे ही बंगाल इनको मिला वैसे ही कंपनी खजाने में ऑटोमेटिक वृद्धि होने लगी और जो वहाँ के किसान थे और जो श्रमिक थे उनका खूब जम करके वो शोषण हुआ। उसी प्रकार से दूसरे चरण की अगर हम बात करें जो 1813 से लेकर के 1860 तक के मध्य रहा, तो दोस्तों मैं तो पहले ही आपको बता चुका हूँ कि सभी चरणों का, चाहे किसी भी चरण में कोई भी नीति आई हो, चाहे इनकी आर्थिक नीति हो या सामाजिक नीति हो या धार्मिक नीति हो, किसी भी प्रकार की नीति हो, उद्देश्य इनका ले देकर घुमा फिरा कर फिर वहीं जाता है आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण। लास्ट में अगर निष्कर्ष निकालोगे प्रत्येक नीति का तो आपको लास्ट में आर्थिक शोषण ही उसका उद्देश्य निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, तो इस द्वितीय चरण की अगर बात करें तो इसमें ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति उस समय दोस्तों आई हुई थी। ठीक है, और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आने की वजह से भारत में, मतलब ब्रिटेन में उद्योग क्रांति जो आई तो ब्रिटेन को उनके उद्योग के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी, तो इसके लिए उन्होंने भारत में कच्चे माल को भारत से मंगाने पर जोर दिया। ठीक है, और यहाँ से कच्चा माल ले जाकर ब्रिटेन लेके गए और ब्रिटेन से बने हुए वस्तुओं को अब बेचने की समस्या उनके सामने थी, तो उसके लिए उनको भारत एक बड़ा सा उपनिवेश मिल गया, एक बड़ा सा बाजार भारत के लिए मतलब भारत एक उनके लिए एक बड़ा बाजार उपलब्ध हो गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार से उन्होंने भारत को कच्चे माल और बने हुए माल को बेचने के लिए इस्तेमाल किया, एक बाजार बनाकर सिर्फ भारत को रख दिया। ठीक, और इसी क्रम में दोस्तों जब इन्होंने इस प्रकार की नीति अपनाई तो इससे भारत के जितने औद्योगिक के जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे उनका पूरी तरह से पतन हो गया है ना, पतन होना चालू हुआ और ये पूरी तरह से भारत से नष्ट ही होने लग गए लगभग। अस्थाई, इसी क्रम में अस्थाई बंदोबस्त आए, रेतबाड़ी आई है ना, नकदी फसलों पर जोर दिया गया। दोस्तों ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी अंग्रेजों के द्वारा लाई हुई जिन्होंने पर्टिकुलर एक वर्ग का शोषण किया। जैसे स्थायी बंदोबस्त था दोस्तों, ये जमींदारी प्रथा थी, ये जमींदारी प्रथा को अगर आप वैसे आगे चल के इसको डिटेल में पढ़ेंगे, हम एक स्पेशली इसके लिए वीडियो बना के लाएंगे कि स्थायी बंदोबस्त के लिए। दोस्तों इसमें जमींदारी प्रथा का कुछ इस प्रकार क्रम था कि इसमें जमींदारी को नीलाम किया जाता था। ठीक है, अब जब वो नीलामी में जमींदारी खरीदेगा तो किसानों से वो अपना मनमाना जो है लगान वसूलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से किसानों का धीरे धीरे शोषण होना चालू हो गया। वो शोषण हुआ दोस्तों बहुत खतरनाक स्थिति में उनका शोषण हुआ, कुछ नकद फसलों ने इनका शोषण किया और कुछ जमींदारों ने इनका शोषण किया, जिससे कि भारत में अकाल कंटिन्यूसली अकाल पड़ते रहे। ठीक है, जमीन नकदी फसलों पर भी जोर दिया गया था। अब भाई हम बात करेंगे तृतीय चरण की जो कि 1860 के बाद रहा था। तो दोस्तों तृतीय चरण में जैसे कि 1857 में क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद में इनकी आंखें खुली, समझ गए कि अब नीतियों में परिवर्तन करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। तो सारी ये व्यवस्थाओं को, इन व्यवस्थाओं को हटाने के बाद में ये नई व्यवस्था लेके आए जो थी वित्तीय पूंजीवाद। दोस्तों वित्तीय पूंजीवाद के क्रम में इन्होंने 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को अपनी शोषण नीतियों में परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया था और भारत में ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा निवेश किए जाने लगा, जिसका 5% ब्याज निवेशकों को प्राप्त होना था, जिसमें बैंकों, बीमा कंपनी के अलावा चाय, कॉफी, रबर, जहाज रानी आदि में भी निवेश किया गया था। तो इसी क्रम में क्या होता है कि जब इनको ब्रिटिश जो आम नागरिक थे या फिर व्यापारी थे उनको जब यहाँ पर निवेश करने के लिए, यानी कि भारत में निवेश करने के लिए जब आमंत्रित किया गया, तो उन्हें 5% ब्याज की गारंटी दी गई।
कहा गया कि भारत में जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करोगे, उसमें लाभ हो या हानि, आपका 5% जो ब्याज है वो गारंटेड है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों इससे ये कंफर्म ज़रूरी नहीं होता था कि यहाँ पर प्रॉफिट हो ही हो। वो प्रॉफिट होता भी था तो कंपनी में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त था कि वो प्रॉफिट दिखता ही नहीं था। ठीक है, तो इस क्रम में दोस्तों जब इसका जब इधर इनको लॉस होता था तो इधर किसानों को इसकी भरपाई करनी पड़ती थी, भारतीय उद्योग धंधों को इनकी से भरपाई करनी पड़ती थी, जो कलाकार थे, जो ठेकेदार थे, उनको इसकी भरपाई करनी पड़ती थी। और चूंकि इसी के द्वारा उसका काफ़ी ज़्यादा शोषण हुआ, और आखिरी में ये कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ था दोस्तों, इसी का ही, यानी कि वित्तीय पूंजीवाद का ही सबसे बड़ा हाथ था। ठीक, तो ये इस प्रकार से तीन चरण हमने डिस्कस किए हैं। तीनों चरण के द्वारा भारत में आर्थिक शोषण किया गया भारत का। ठीक है, इसी में बुद्धिजीवियों द्वारा इन शोषणों की आलोचना भी की गई, और आलोचना किए जाने पर असंतोष, यानी जब क्या हुआ कि आखिरी में जब ये नीतियाँ लागू होने लगी तो इन नीतियों के तहत तो कुछ बुद्धिजीवी भी थे, यानी कि कुछ अच्छे पर जो पढ़े लिखे वर्ग के भी लोग थे, उन्होंने इनकी इन जो योजनाएं थी इनकी आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे जैसे इनकी आलोचनाएं होना चालू हुआ, जनता तक ये चीज़ें सामने आई, इनके सामने जब आई ये चीज़ें पहुँची, तो उनके दिमाग भी ठनक गए कि यार ये क्या हो रहा है, इस प्रकार से सोशल ऐसे कैसे कोई क्या कैसे कर सकता है। ठीक है, तो इसी के तहत ही जनता में असंतोष व्याप्त हो गया, असंतोष छाने लगा, और धीरे धीरे असंतोष बढ़ते 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 फिर उनमें उग्रता आ गई, वो एकदम जनता उग्र होने लगी, और इसी क्रम में राष्ट्रीय आंदोलनों की नींव भी तैयार हो गई। दोस्तों बस आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत अभी देखेंगे हम कि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त क्या व्यवस्थाएं थी, इनका प्रभाव क्या रहा, कैसे कैसे इन व्यवस्थाओं को और कब कब लागू किया गया था, किस वर्ष में लागू हुआ था, किस किस क्षेत्र में लागू हुई थी, और इनके मुख्य बिंदु क्या क्या रहे हैं, क्या क्या किस प्रकार से इनको लागू किया गया था और क्यों क्यों लागू किया गया था, तो इन सब के बारे में दोस्तों डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम। और अगर लास्ट में यही कहूँगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके शेयर दोस्तों में करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने वीडियो को पहली बार देखा है तो इसी प्रकार के वीडियो को कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। और इसके अगर आपको PDF चाहिए दोस्तों, मैं तो बोलता हूँ कि आप डाउनलोड कर ही लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको नोट्स बनाने में उससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो इसका PDF डाउनलोड करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम लोदाजी टेलीग्राम आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, तो इस पर चैनल पर जाकर के इसको ज्वाइन कीजिए, और वहाँ से आप सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो भी आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगे, और ज़्यादा उचित रहेगा कि इसके YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो सर्च करेंगे तो आपको आसानी से एक लिस्ट वाइज मिल जाएगा। दोस्तों बता दूँ मैं आपको कि सभी नोट्स, सभी विषयों को विस्तार से क्लास नोट्स के माध्यम से और टॉपिक वाइज वन बाय वन टॉपिक पढ़ा जा रहा है, इसमें कुछ भी छूटने की कोई गुंजाइश नहीं है दोस्तों, कुछ भी यहाँ से नहीं छूटेगा, सबका सब मिलेगा। बस शांति रखिए और बस बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बस इसको शेयर करते रहिए और मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कल क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।